आजकल महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है चाहे कोई मुलाजिम है या कोई मजदूरी करने वाला है हर बंदा परेशान है मास्टर और एम डिग्री होल्डर्स धक्के खा रहे हैं उनको कहीं पे कोई काम नहीं मिलता लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपको किसी कंपनीज के अंदर जो है इंटरव्यूज देने की जरूरत है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑनलाइन अर्निंग का एक ऐसा आसान मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप लोग घर बैठे आसान सा काम करके डेली बेसिस पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यह कौन सा काम है और आपने अर्निंग कैसे करनी है तो यह वीडियो आपके लिए है असलम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दोस्तों अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा काम बता दें जिसके लिए हमें ना तो कोई स्पेशल स्किल सीखनी पड़े और ना ही हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त अथेंटिक वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ पे आप लोग सिंपल डेटा एंट्री का काम करके डेली बेसिस पे दस से बीस डॉलर अर्न कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के प्लस पॉइंट यह है कि आप लोग अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं आप चाहें तो पार्ट टाइम काम कर लें या आप चाहें तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं आप कहीं पे काम करते हैं आप बेरोजगार हैं आप ये काम कर सकते हैं बहुत आसान और सिंपल काम है आपने कहीं पे कोई इंटरव्यू नहीं देना आपको किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है बस आपके पास एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन का होना जरूरी है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट है काम क्या है आपने इस पर अकाउंट कैसे बनाना है और इससे आपने अर्निंग कैसे करनी है तो ये तमाम बातें बताने के लिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं और वो चाहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस उन तक रहें, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दिए गए बेल आइकन पर आपने लाज में क्लिक कर देना है ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आप लोगों तक जल्द अज्द पहुंचती रहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है का इसका इंटरफेस है यहाँ पे आप लोग देखें जी आपको काफी सारी जो है जॉब्स नजर भी आ रही होंगी तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाके देखें तो यहाँ पे देखें जी ब्राउज के अंदर लिखा हुआ है ऑल 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 जॉब्स सैलरीज सिटीज कंपनीज मतलब ये चार तरह के फिल्टर्स लगा के आप लोग यहाँ पे जो है जॉब ढूंढ सकते हो अपनी चॉइस की ऑल जॉब्स करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो सारी आपके पास ओपन होके आ जाएंगी यहाँ पे देखें जी ये आगे मज़ीद यहाँ पे जो है फिल्टर्स आ गए हैं आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाह रहे हैं ठीक है जो हायरिंग आपको कर रही है फ़ौरन आप वो ढूंढना चाह रहे हैं फुल टाइम ढूंढना चाह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम रिमोट रिमोट ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिल्टर्स हैं ठीक है तो आप ये फिल्टर्स लगा के अपनी जो है पसंद की जॉब यहाँ से ढूंढ सकते हैं लेकिन आज जैसा कि मैं आपको डेटा एंट्री की जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ डेटा एंट्री के काम के बारे में बताने जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे ये बॉक्स नजर आ रहा होगा ये वाला जॉब टाइटल जहां पे लिखा हुआ है ये सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपने सिंपल टाइप करना है जी डेटा एंट्री ये देखें नीचे सुजेशन भी दे रहा है डेटा एंट्री लिखा उसके आगे एक बटन है यहाँ पे सिटी स्टेट वाला यहाँ पे अगर रिमोट ऑलरेडी लिखा हुआ होगा तो आपने इसको रिमोट रहने देना है अदरवाइज आपने अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है तो आपने इसको रिमोट कर देना क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं घर बैठ के हम काम करना चाहते हैं ठीक है जी तो यहाँ पे सर्च जॉब्स का एक बटन है आपने सिंपल इस इसपे क्लिक करना है जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें मजीदर आपको ये फिल्टर नजर आ रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पे डिस्टेंस है सबसे पहला इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये ट्वेंटी फाइव माइल्स है तो इसको आपने क्या करना है एग्जैक्ट लोकेशन पे कर देना है ठीक एक ये चेंजिंग आपने करनी है और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जॉब टाइप के अंदर आपको ये देख लें यहाँ पे ऑल जॉब टाइप्स फुल टाइम पार्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप इस वेबसाइट पे चाहे तो पार्ट टाइम काम कर लें फुल टाइम काम कर लें आप पे कोई पाबंदी नहीं है ठीक है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं टेम्प्रेरी करना चाहते हैं मैं इसको फिलहाल ऑल जॉब टाइप करना चाह रहा हूं जी आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसको टिक लगा लेना है उसके तो बाद मिनिमम सैलरी जो है इसको आपने नहीं छेड़ना बाकी जो पॉइंट्स हैं इनको भी आपने नहीं छेड़ना तो डेटा एंट्री की जो जॉब्स अवेलेबल हैं यहां से आप लोग देख सकते हैं जी हंड्रेड डेटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल हैं जो कि आप रिमोटली कर सकते हैं मतलब आप अपने घर बैठे कर सकते हैं आपने कहीं पे नहीं जाना सिंपल आपने सिंगल क्लिक के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है जी ठीक है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स मेरे पास ओपन होके आ चुकी है जो कि डेटा एंट्री की ये देखें कितनी ज्यादा जॉब्स है यहाँ पे ठीक है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी ये इनके नीचे जिनके नीचे जो है रिमोट लिखा हुआ है उन पे आपने अप्लाई करना है उसके बाद यहाँ पे देखें ये काफी सारे पेजेस हैं यहाँ से आप लोग नेक्स्ट करके जो है इन सबको बारी बारी चेकआउट कर सकते हो ये देखें जी इसके नीचे रिमोट लिखा हुआ है रेटिंग भी मिली हुई है लोगों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक है इस तरह की जॉब्स हैं जी ये पहले नंबर पे है जी पार्ट टाइम असिस्टेंट ठीक ये रिमोट जॉब है ये पे अगर हम इसको ओपन करें उस पर आपने सिंपल क्लिक करना है जिस भी जॉब को आप ओपन करना चाह रहे हैं ये यह देखिए यहाँ पे ओपन हो गई है जी ये यह यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पार्ट टाइम असिस्टेंट उसके बाद नीचे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी जॉब डिटेल्स के अंदर ये पार्ट टाइम है और इसके आप जो है ग्यारह से चौदह डॉलर जो है पर आवर के हिसाब से अर्न कर सकते हैं ठीक है सिर्फ आठ घंटे पहले जो है ये यह जॉब यह 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 यहाँ पे पोस्ट हुई है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है जी कोई क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है जस्ट फिलिंग टाइप आपने काम करना है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स उसके बाद यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ये आप पढ़ सकते हैं ठीक है थीके? उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल वगैरह लिखा हुआ है ये देख लें जी एट आवर्स की शिफ्ट है ये मंडे टू फ्राइडे और यहाँ पे वर्क लोकेशन के अंदर आप लोग देख सकते हैं ये रिमोट है मतलब आप ये घर बैठ के कर सकते हैं ये जॉब ठीक है इसी तरह अगर अगली हम जॉब ओपन करके देखें जो भी आपने जॉब ओपन करनी है सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है साइड पे उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी ये देखें जी ये वाली जॉब ये फुल टाइम है और ये दो दिन पहले यहाँ पे पोस्ट हुई है पंद्रह से सोलह डॉलर आप पर आवर के हिसाब से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशन के अंदर इन्होंने जो है एम ऑफिस की आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ये चीजें इन्होंने लिखी हुई है बाकी कोई स्पेशल स्किल आपको रिक्वायर यहाँ पे भी नहीं है

आपने इस बटन पे क्लिक करना है लेकिन उससे पहले आपने इस वेबसाइट पे भाई ये जॉब ये जो वेबसाइट है ये रियल भी है या नहीं है तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये रियल भी है या नहीं है मैं यहाँ से इसका जो है एड्रेस कॉपी करता हूँ ये मैंने कॉपी किया स्कैम एडवाइजर मैंने ओपन किया हुआ है जी

पंद्रह बीस डॉलर तक आप इजिली पर आवर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं पर फॉर एग्जाम्पल ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप पंद्रह डॉलर भी अगर यहाँ से पर आवर के हिसाब से चार्ज करें तो यहाँ पे कैलकुलेटर अगर मैं निकाल के यहाँ पे जरब दू अगर हम दो जो है अस्सी रुपए का भी डॉलर लगाए तो पंद्रह डॉलर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी बयालीस सौ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी सिर्फ एक घंटे के ठीक है जी बयालीस सौ ये चार हजार लगा ले आप चार हजार अगर एक घंटे में आप कमा रहे हैं और अगर आप यहाँ पे जो है दिन के दो से तीन घंटे भी काम करें तो आप दिन का दस हजार रुपए यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं वो भी आपने कोई कहीं पे नहीं जाना आपने घर बैठ के आपके पास मोबाइल है लैपटॉप है जो भी उससे आप इजीली वर्क कर सकते हैं तो अगली बात यहाँ पे आती है जी कि हमने यहाँ पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे, यहां पे यह आपको बटन नजर आ रहा होगा क्रिएट अकाउंट आपने इस पे जो क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होकर पे मेरी प्रोफाइल पे ओपन है ठीक तो अब आपने जिस जॉब पे अप्लाई करना है यहां पे आपने सिंपल उसको सर्च करना है जब आपके पास वो ओपन होकर आ जाएगी जैसे मैंने ये ओपन की थी जॉब ठीक तो अगेन आपने क्या करना है ये क्विक अप्लाई बटन है आपने इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा कि पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें यहाँ पे देखें जी कहता है एड योर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन इसमें से कुछ चीजें हमने पहले लिखी हुई हैं जैसा कि अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आपसे ये पूछ रहा है सिटी या स्टेट ये ऑप्शनल है ठीक उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर भी ऑप्शनल है आप इनको छोड़ भी सकते हैं लिख दें तो बेहतर है मैं इनको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ नीचे बटन है कंटिन्यू आपने इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला जो स्टेप है यहाँ पे देखें कहते हैं एड ए रिज्यूम फॉर द एम्प्लॉयर अपलोड रिज्यूम आपको यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हमारी तो रिज्यूम ही नहीं है हमें तो सीवी बनाना आती नहीं है तो ये यह सीवी यहाँ पे अपलोड करना है आपने परेशान नहीं होना अभी मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ कि आपने इसको फोरी जो है कैसे बनाना है फ्री के अंदर ठीक आपने सिंपल क्या करना है जी आपने गूगल डॉक्स ओपन करना है यहाँ पे जो आपका जी एड्रेस होता है वहां पे ये आपको जो है यहाँ पे ये आ, जो है बटन से नजर आ रहे होंगे आपको जहां पे गूगल एप्स लिखा हुआ होता है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पे डॉक्स का एक ऑप्शन है यहां से आपने गूगल डॉक्स को ओपन कर लेना है जैसे ही आप गूगल डॉक्स को ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपके पास ओपन होकर आएगा ये देखें जी ये रिज्यूम के टम्पलेट पड़े हुए हैं सीवी के टम्पलेट पड़े हुए हैं यहाँ पे आप इनमें से जो भी उठाना चाहें आप उसको उठा लें सिंपली फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करें तो वो आपके पास एडिटेबल फॉर्मेट के अंदर ओपन होके आ जाएगी अब आपने यहाँ पे क्या करना है इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग ठीक है जैसे यहाँ पे देखें आई एम योर नेम यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है उसके नीचे यहाँ पे अपना जो है एड्रेस वगैरह और स्किल्स के अंदर आपने डेटा एंट्री यहाँ पे लास्ट भी मैंशन करना है ठीक डेटा एंट्री हो गया एम एस ऑफिस एम एस एक्सल वगैरह ये चीजें आपने लिख देनी है एक दो एक्सपीरियंस है तो लिख दें अदरवाइज इसको छोड़ दें आप ऐसे ही एजुकेशन आपने अपने लिख देनी है कितनी है मैट्रिक है इंटर है मास्टर जो भी आपकी है ठीक हो गया उसके बाद अवर्ड है ये आप इसको छोड़ दें बस ये चेंजिंग वगैरह अपना नाम वगैरह यहां पे आपने अपना लिख लेना है ठीक ये काम कर लेना है जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक अपनी सीवी जो है बनाई है ये मैंने इसमें एडिटिंग की हुई है तो ये करने के बाद आप आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है तो यहाँ पे ऊपर एक मेन्यू नजर आ रहा है आपको ये फाइल का मेन्यू है इस पर आपने क्लिक करना है नीचे बटन है डाउनलोड का अब यहां से आप इसको वर्ड फॉर्मेट में पीडीएफ में जिसमें आप करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पे पहले आपने देख लेना है कि किस फॉर्मेट में उन्होंने मांगी हुई है देखें जी एक्सेप्टेबल जो फाइल टाइप है पीडीएफ है डॉक्स है मतलब आप पी डी एफ में भी कर सकते हैं और वर्ड फॉर्मेट में भी कर सकते हैं तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करते हैं ये देखें जी पी डी एफ डॉक्यूमेंट इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट फौरन डाउनलोड हो जाएगी ये देखें जी डाउनलोड ऑप्शन मेरे पास आ चुका है तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है जी अब मैंने इसको जो है यहाँ पे अपलोड करना है अपलोड करने के लिए सिंपल आपने क्या करना है ये वाला जो बटन है अपलोड रिज्यूम इस पे आपने क्लिक करना है तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी यहाँ पे देखें जी मेरे पास मेरी सीवी ओपन होके आ गई है ये अपलोड यहाँ पे होकर आ चुकी है ठीक है जी इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो इस बटन से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं ठीक अब नीचे बटन है जी कंटिन्यू का आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे कहता हैं आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एम्प्लॉय आर यू यूराइज टू वर्क इन द यूएस ठीक है इन द यूनाइटेड स्टेट तो यहाँ से क्या है? कहता है क्या आप जो है यूएस के अंदर वर्क करने के लिए एथराइज हैं भाई हमने तो पार्ट टाइम करना है तो आपने इसको क्या करना है यहाँ से इसको नो कर देना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है यहाँ पे कहता है एंटर अ पास्ट जॉब दैट शोज रेलिवेंट एक्सपीरियंस अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस वगैरह कोई लिख दें अदरवाइज ये ऑप्शनल है आपने इसको स्किप कर देना है नीचे बटन है कंटिन्यू आपने सिंपल इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे कहता है प्लीज रिव्यू योर एप्लीकेशन आपने जो अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह दी है कहते हैं उसको एक दफा रिव्यू कर लें ठीक आपने उसको अच्छी तरह से तसली से रिव्यू करना है अपनी हर चीज आपने यहाँ पे देखनी है उसके बाद यहाँ पे देखें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कोई है तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है ये ए भी ऑप्शनल है अगर अगर आप करना चाहें तो कर दें अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं तो उसके बाद नीचे बटन है जी सबमिट योर एप्लीकेशन आपने सिंपल इस बटन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड लुक फॉर एन ई मेल कंफर्मेशन एट जो आपने ईमेल दिया होगा वहां पे आपको मेल जाएगी अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये मेरा जी मेल एड्रेस ओपन है यहाँ पे देखें जी इन डीड की तरफ से मुझे जो है एक यहाँ पे मेल आ चुकी है मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे देखें जी एप्लीकेशन सबमिटेड पार्ट टाइम असिस्टेंट की जॉब के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है

आपको एक इनकी कॉल वगैरह भी आ सकती है दिस ऑटोमेटेड इंटरव्यू अलाउज यू टू प्रोवाइड वर्बल रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट योर एक्सपीरियंस मोटिवेशन आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन के लेंगे थोड़ी सी यहां से आप स्टार्ट टेस्ट करके इसको जो है ओके okay कर सकते हैं ये कोई रॉकेट uh, साइंस नहीं है जो चीजें आपने यहाँ पे लिखी हैं बस आपका नेम वगैरह यही चीजें आपसे पूछेंगे अगर पूछी जाएंगे ठीक है ये चीजें आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी है अगली बात यहाँ पे आती है कि भाई यहाँ पे जो है पेमेंट मेथड कौन सा है ठीक तो पेमेंट मेथड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पेमेंट मेथड यहाँ पे आपकी मर्जी का होगा अपना आप अपने बैंक अकाउंट में अपनी पेमेंट लेना चाहें अपने जायज कैश इजी पैसा जिसमें भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं क्योंकि जब आपकी एक दफा जॉब हो जाएगी यहाँ पे तो कंपनी आपसे जो है रहा करेगी और आपको कहेगी कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो एड करें देन फर्दर आप अपने बैंक अकाउंट से जो है अपने पेमेंट डायरेक्ट अपने जैज कैश इजी पैसा में ले सकते हैं तो उम्मीद आपको सारे प्रोसीजर की समझ आ गई होगी अगर आपको किसी किस्म तो का प्रॉब्लम आता है अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है नेक्स्ट वीडियो तो दुआ में याद रखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग